अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साथियों, यदि आप कुवैत में रहते हो तो कुवैत से जो पहली खबर आ रही है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, खबर क्या है? ट्रैफिक डिपार्टमेंट टू लॉन्च कैंपेन टारगेटिंग टिंटेड विंडो। साथियों, कुवैत के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंपेनिंग चलाई जा रही है। कैंपेनिंग दोस्तों इस प्रकार का है कि जो भी कुवैत में अब गाड़ियों में यदि पूरा तरह से टिंटेड विंडो यानी पूरा तरह से ब्लैक शीशे का यदि कोई इस्तेमाल करता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट विल टेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन विदड्रॉ द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ दोज हु वायलेट ट्रैफिक रेगुलेशन। दोस्तों, कुवैत में हर चीज़ के लिए वहाँ पर अलग अलग नियम बनाए गए हैं, अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो दोस्तों, जो ब्लैक शीशा होता है यदि उसमें कोई क्राइम वगैरह होता है तो कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लैक शीशा का इस्तेमाल करते हैं, जो वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी गाड़ी के अंदर करते हैं, जैसे कि चलती गाड़ी में शराब पीना, चलती गाड़ी में कोई इलीगल एक्टिविटी करना, चलती गाड़ी में कोई नशीली चीज़ का सेवन करना, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, ऐसे शीशे का जो भी अब इस्तेमाल करते हैं बिना कोई वजह के तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस पर गिरफ्तारियाँ भी की जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही साथियों कुवैत के मौसम विभाग की तरफ से, कूल वेदर ड्यूरिंग नाइट टाइम। साथियों, कुवैत में अब मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है दोस्तों, ना ही ठंडी होगी ना ही गर्मी होगा। तो दोस्तों, खबर दोस्तों निकल कर ये आ रही है, तल्ली अल जबहा इज बिगिन टू कुवैत वेरी कूल वेदर एट नाइट, यानी रात में ठंडी हल्की मौसम रहेगी और दोपहर में दोस्तों वहाँ पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा ना कम रहेगा, ठीक ठाक मौसम रहेगी। तो जो भी भाई लोग आप लोग कुवैत में हो तो अभी ये दो महीना जो होने वाला है, अक्टूबर और नवंबर का महीना, काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। अगली खबर दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एक्सपर्ट मस्ट सेटल पेंडिंग पेमेंट बिफोर रेसिडेंसी रेन्यूअल। साथियों, कुवैत में फिर से एक नया नियम को लागू किया गया है, संडे से जो भी एक्सपर्ट किसी तरह का पेमेंट आप लोग का बाकी है, किसी भी तरह का, तो वो पेमेंट जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका रेसिडेंसी फिर से रेन्यूअल नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि पहले फ्लाइट टिकट नहीं दी जा रही थी, पर आपका रेसिडेंसी रेन्यूअल ही नहीं किया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो ट्रैफिक वायलेशन हो या कम्युनिकेशन बिल हो, जिस तरह से भी दोस्तों आपके बाकी बकाया आपका पड़ा हुआ है तो आपको वो अब नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ पर रेसिडेंसी को रेन्यूअल ही नहीं किया जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से भी दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। तो जो भी भाई लोग आप लोग कुवैत में हो, वर्कर हो, किसी तरह का बाकी बकाया, पहले बाकी बकाया को क्लियर कीजिए, तभी अपने मुल्क आप जा पाओगे, फ्लाइट की टिकट होगी। और दूसरी चीज, जिसका रेसिडेंशियल एक्सपायर कर चुका, उसका रेसिडेंशियल भी एक्सपायर कर चुका, तो उसका रेन्यूअल भी नहीं किया जाएगा जब तक बकाया को आप नहीं पूरा करोगे। अगली खबर दोस्तों सर यूरेका कंपनी की तरफ से आ रही है। दोस्तों, यूरेका कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, लगभग 15% की बच्चों के लिए कंप्यूटर एसेसरी एचपी ब्रांड, यानी दोस्तों एचपी ब्रांड के यदि कोई भी सामान आप खरीदते हो यूरेका कंपनी से, यूरेका जा मॉल जाकर, दुकान जाकर, तो आपको 15% की डिस्काउंट दी जाएगी। मान के चले दोस्तों कि लगभग 100 KD दाम है तो आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे सिर्फ 85 KD। अगला दोस्तों इसमें है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है होम एसेसरी फ्रॉम रयान ब्रांड, यानी घर की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें भी दोस्तों आपको डिस्काउंट दिया जाएगा लगभग 25% की, जैसा कि वीडियो के सुन पे दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला साथियों डिस्काउंट दिया जा रहा है मोबाइल वगैरह खरीदते हो तो उसमें 20% की डिस्काउंट आपको यूरेका कंपनी की तरफ से दी जा रही है। यदि आप गेमिंग का कोई सामान खरीदते हो तो उसमें 25% की डिस्काउंट आपको दी जा रही है यूरेका कंपनी की तरफ से। यदि आप साथियों कंप्यूटर एसेसरी खरीदते हो यानी कंप्यूटर का कोई सामान खरीदते हो लॉजिटिक ब्रांड का, तो उसमें 10% की आपको डिस्काउंट दी जाएगी। और यदि आप टीवी का एसेसरीज खरीदते हो, टीवी वगैरह का, तो आपको 20% की दोस्तों डिस्काउंट इसमें आपको दी जा रही है। तो जो भी भाई लोग आप लोग खरीदना चाहते हो जाकर खरीद सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।